दोस्तों नमस्कार। कई बार समाज में कई ऐसी भ्रांतियां होती हैं जो होती तो झूठ हैं, जिसका सच से कोई सारोकार नहीं होता, लेकिन वह एक मुख से दूसरे मुख, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी पहुंचते पहुंचते वह सच जैसी लगने लगती है। आज ऐसे ही दो भ्रम जो स्वास्थ्य से जुड़े हुए हैं, हम उसको उजागर करने की कोशिश करें और कैसे सही ढंग से सेहत बनाए, हम उस राह में आपकी मदद कर सकते हैं। आज दो भ्रम। पहला भ्रम है कि सर्दी, ठंड बढ़ने से सर्दी हो जाती है, अर्थात टेम्परेचर डाउन होने से हमको कफ की शिकायत या सर्दी की शिकायत हो जाती है, खांसी हो जाता है। अगर ऐसा होता तो जितने बर्फीले इलाके वाले लोग हैं, कश्मीर के लोग हैं, शिमला के लोग हैं और ऐसे विश्व के तमाम जगह हैं, वहाँ जो रहने वाले लोग हैं वो तो बीमार ही रहने चाहिए थे। तो यह पूरी तरह भ्रम है। दरअसल ठंड में वायरस आपको चपेट में कम लेते हैं, लेकिन हम कुछ गलतियां करते हैं जिसके कारण यह वायरस, अब मैं जहां यहां खड़ा हूं, यहां असंख्य वायरस हो सकते हैं, मेरी इम्यूनिटी कमजोर हो जाए, मैं कुछ ऐसा गलत कर जाऊं जिसके कारण ये वायरस तुरंत फिर सक्रिय हो जाते हैं और हमारे शरीर पर हमला बोल देते हैं। तो दरअसल ठंड का आपके सर्दी पकड़ने से कोई रिलेशन नहीं है। अगर ऐसा होता तो वाकई में कश्मीर के बच्चे, कश्मीर के लोग हर समय नाक बहाते हुए ही मिलते या उन्हें खांसी हुई रहती। इसमें दो चीज़ें मैटर करती हैं। पहला, आपका इम्यून सिस्टम। अगर आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है तो ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, कोई भी मौसम हो या मौसम में बदलाव हो, आप तुरंत उसकी गिरफ्त में आएंगे और बीमार पड़ जाएंगे। उसका रीज़न यह होता है कि ये वायरस तो तमाम जगह पर हैं, लेकिन जब हम एक ठंड वाली जगह पर हैं और हमने गर्मी कुछ लेना चालू कर दिया, ब्लोअर के माध्यम से, आग के माध्यम से या किसी माध्यम से, तो हमने एक मौका दिया उस वायरस को सक्रिय होने के लिए। और यह वायरस आपको उमस वाली जगह पर, जहां पर आर्द्रता थोड़ी मिलती है, उन्हें मॉइस्चर थोड़ा मिलता है, वहां पर यह बहुत एक्टिव होते हैं। अधिकांश बैक्टीरिया भी इसी जगह पर पाए जाते हैं। तो हम अपने रहन सहन में कुछ गलतियां करते हैं जिसके कारण हम सर्दी खांसी की चपेट में आते हैं, और वह गलती है सर्द गर्म का होना। एकाएक ठंडे टेम्परेचर से गर्म टेम्परेचर की ओर जाना, गर्म टेम्परेचर से ठंडे की ओर आना, यह ऐसी एक चीज़ है जो अधिकतर बच्चों के साथ होती है और बड़े भी इसके गिरफ्त में आते हैं, क्योंकि जैसे ही ये टेम्परेचर चेंज होता है और ये जो यहाँ पर असंख्य वायरस मौजूद हैं इस रूम में, इस रूम के बाहर कई जगह मौजूद हैं, इन वायरसों को मौका मिल जाता है एक्टिव होने का, और यह एक्टिव होकर आपके शरीर पर अलग अलग वायरस के अलग अलग रोल होते हैं। कोई फेफड़े पर आक्रमण करता है तो कोई गले पे करता है, कोई अन्य भाग पर करता है, जिसके कारण आपको सर्दी लग सकती है। तो इसका टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं है। दरअसल जितना तापमान कम होता है आपकी इम्यूनिटी उतनी अच्छी हो जाती है, क्योंकि कम तापमान में आपकी भूख बढ़ जाती है, आपके शरीर में काम करने की क्षमता बढ़ जाती है। तो सर्दी का मौसम दरअसल स्वास्थ्य बनाने वाला मौसम होता है, लेकिन हम कुछ गलतियां करते हैं। हम अपनों बच्चों को एक्स्ट्रा प्रोटेक्ट करते हैं, या तो उन्हें दिन भर ब्लोअर में बैठाए रहेंगे, आग के सामने बैठाए रहेंगे, जब गर्मी आ जाती है तो हम उन्हें एसी के रूम में रखेंगे कि लू न लग जाए, और हम उन बच्चों को मजबूत होने की राह पर, जो वो अपनी इम्यूनिटी डेवलप कर रहे होते हैं, सहन शक्ति बढ़ा रहे होते हैं, वहाँ पर बाधा डाल देते हैं। तो ऐसे तमाम पालक जो जिनके बच्चे सर्दी खांसी से बराबर परेशान हो रहे होंगे, उन्हें यह हिदायत दी जाती है कि उन्हें अपना इम्यून डेवलप होने दीजिए, जहाँ तक हो सके उन्हें मजबूत बनाइए, हर चीज़ सहने की क्षमता दीजिए, तब देखिए कैसे आपको वह ज़्यादा फायदा देता है। तो यह पूरी तरह मिथ है कि टेम्परेचर में कमी आने पर आप सर्दी खांसी के शिकार हो सकते हैं। सर्दी खांसी के शिकार दो ही वजह से होते हैं, एक वायरस के आक्रमण से, और सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वह है आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर होने से। और यह वायरस तब आक्रमण करते हैं जब उनको ऐसा माहौल मिलता है। एक जैसा टेम्परेचर बनाए रखना भी मुश्किल होगा कि आप हर समय एक ही टेम्परेचर को लेकर शहर, घर, स्कूल, खेल के मैदान, अपने कार्यस्थल पर घूमते रहें, ऐसा संभव नहीं हो सकता। तो ज़रूरी जो चीज़ है, अपनी इम्यूनिटी पर ध्यान दीजिए, अपनी इम्यूनिटी को इतना बढ़ा लीजिए कि ये वायरस, ये बैक्टीरिया आपको असर ना कर पाए। अगर हमला हो भी तो आपका शरीर उससे लड़ सके, या हल्का फुल्का सर्दी खांसी में आप 3-4 दिन, 7 दिन में, 10 दिन में ठीक हो जाएं। अब दूसरा मिथ यह है कि हमें रोज़ मल्टी विटामिन्स खाने चाहिए। कई लोग तो बाज़ार से, दवाई दुकान से विटामिन की गोलियां खरीद कर भी खाने लग जाते हैं। यह गलत है। जब तक आपको कोई चिकित्सक सलाह ना दे कि आपको यह विटामिन या मल्टी विटामिन खानी है, तब तक आपको नहीं लेना है, क्योंकि विटामिन की अधिकता भी आपको नुकसान पहुंचा सकती है। फिर यह जो आप विटामिन के पिल्स लेते हैं,
यह कृत्रिम तरीके से बनाया हुआ होता है। विटामिन अगर पूर्ति ही आपको करनी है तो फलों के माध्यम से करिए, सलाद के माध्यम से करिए, जो प्राकृतिक तरीका होगा। आप अगर इन पिल्स पर, इन दवाई पर, टैबलेट पर, सिरप पर आप डिपेंड होंगे तो लेने के देने ना पड़ जाएं। गर्भवती महिलाओं को कई तरह के विटामिन दिए जाते हैं, फॉलिक एसिड दी जाती है जो जरूरी होते हैं, वह भी चिकित्सक की सलाह पर। जब तक आपका वैद्य, आपका चिकित्सक, आपका डॉक्टर सलाह ना दे, तब तक कोई विटामिन न ले। दरअसल लोगों में मिथ यह है कि हम जो खाना खा रहे हैं उसमें जरूरी पोषक तत्व तो नहीं है, क्योंकि अब बाजार में अच्छी सब्जियां नहीं आते, अच्छे फल नहीं आते हैं। दरअसल बात बिल्कुल गलत है। आप ऐसे हो गए हैं, आप अपने शरीर को मेहनत नहीं कराते हैं। जब इस मशीन को आप मेहनत नहीं कराते हैं तो वह भोजन से जो बेस्ट है उसको सही ढंग से अवशोषित नहीं कर पाता है। तो इस शरीर को मेहनत कराइए, व्यायाम कराइए। नहीं कर सकते, पैदल ही चलिए, दिन भर पैदल चलिए। जितनी एक्टिविटी आप शरीर को देंगे, शरीर की सभी कार्य प्रणाली जग जाएगी, सक्रिय हो जाएगी। तब जो भोजन का पोषण होगा, जो अवशोषण होगा विटामिन्स का, मिनरल्स का, वह सही ढंग से होगा। तो आपको किसी विटामिन की गोलियों की, पिल्स की, सिरप की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप जो खा रहे हैं उसमें लगभग सब विटामिन है, सब मिनरल है। लेकिन चूंकि आपका रहन सहन गलत हो चुका है, चूंकि आप लेथार्जिक मोड में, आपके हाथ में मोबाइल, आपका बहुत ज़्यादा समय मोबाइल पर, मूवीज देखने पर, टेलीविज़न देखने पर जा रहा है, और इस शरीर को जो मेहनत करना जानता है, जो सक्रिय रहना जानता है, आप उसको निष्क्रिय कर दे रहे हैं, जिसकी वजह से शरीर के अंदरूनी अंग, आंतरिक अंग सही ढंग से काम नहीं कर पाते, और इन विटामिन्स मिनरल्स का पोषण अवशोषण ठीक ढंग से शरीर को नहीं मिल पाता, जिसकी कमी होती है। तो अपने मन से कोई भी विटामिन लेना यह गलत हो जाएगा, और यह पूरी तरह भ्रम है कि हमें रोज मल्टीविटामिन्स लेनी चाहिए, या मल्टीविटामिन्स लेने से हृदय रोग का खतरा कम रहता है। आप जो भी भोजन ले रहे हैं, फल के रूप में केला, ऐसे कई मौसमी फल हैं जो बहुत सस्ते मिल जाते हैं। आप जो भोजन, आप सब्जी खा रहे हैं, आप सलाद खा रहे हैं, उसमें जो आवश्यक विटामिन्स मिनरल्स चाहिए वह सब कुछ है। लेकिन इस शरीर को सक्रिय कराइए, योग कराइए, व्यायाम कराइए, ऐसी कोई चीज़ कराइए पसीना निकले। और जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वह है इसके डिटॉक्सिफिकेशन पर ध्यान दीजिए, कि शरीर की सभी उत्सर्जित अंग सही ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, शरीर डिटॉक्सिफाइड हो रहा है नहीं हो रहा है। शरीर के डिटॉक्सिफिकेशन में नींबू और एप्पल सीडेड विनेगर, यह आपको बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकते हैं। तो नींबू का सेवन, नींबू बहुत सस्ता भी मिल जाता है, जितना कर सकते हैं उतना करिए। दिन के तीनों भोजन में नींबू का समावेश जरूर करिए, क्योंकि यह आपको कई फायदे तो देता ही देता है, साथ में यह लीवर, शरीर के सभी उत्सर्जी अंग को डिटॉक्सिफिकेशन में मदद भी देता है। तो यह पूरी तरह भ्रम है कि हमें रोज मल्टीविटामिन खाना चाहिए। जो भी आप खाएं उसको आप पचाएं, वह जरूरी है। तो किसी मल्टीविटामिन, किसी मिनरल्स की गोली या अन्य किसी ताकत की टॉनिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको आप ध्यान दीजिए, और यह दोनों मिथ को दूर करके कि आप विटामिन्स की गोलियां आप खा रहे हैं, या फिर सर्दी में आपको ठंड लग जाएगी, इस भय को अपने मन से निकालिए। क्योंकि जब आपके अवचेतन मन में बैठ जाएगा ना कि ठंड बढ़ गई है, मुझे सर्दी लग जाएगी, या छाती खुला है इससे ठंड लग जाएगी, इसको अगर आपने अवचेतन मन में डाल दिया तो वह फिर हो के रहेगा। तो अपने अवचेतन मन में वही डालिए जो आपको चाहिए। तो इन भ्रम को हटाइए और अच्छी सेहत बनाइए।